पबजी मोबाइल भले ही बंद हो गई हो, लेकिन दोस्तों गेमिंग वो नहीं रोकनी चाहिए। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरी रिसर्च करके लेकर आया हूँ 5 बेस्ट फोन्स जो कि 15,000 के अंदर आते हैं। और अगर आपको 15,000 रुपए के अंदर बेस्ट गेमिंग फोन चाहिए तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको मार्केट के बेस्ट फोन बताने वाला हूँ जो कि आपको 15,000 के अंदर मिल जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों किसी भी गेमिंग फोन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रोसेसर एंड डिस्प्ले और साथ में बैटरी। तो इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा इन्हीं तीनों चीजों पे। तो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे नंबर 5 से, ताकि आपकी एक्साइटमेंट बढ़ती रहे। तो नंबर 5 पे हमने रखा है Realme 6 को, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek का Helio G92 प्रोसेसर जो कि गेमिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है जो कि HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आता है, और ये आपको अच्छी शार्पनेस ऑफर करता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको 4300mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जो आसानी से आपको फुल डे का बैटरी बैकअप दे सकती है। एंड दोस्तों अगर मैं कैमरा की तरफ भी जाऊँ तो वहाँ पे भी आपको 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलता है जो कि आपको काफी कमाल की फोटोज दे सकता है। तो ओवरऑल Realme 6 एक अच्छा फोन है और आप इसे चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों नंबर 4 वाला फोन काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि मात्र 12,000 की प्राइसिंग पर यहां पर आपको 90Hz का डिस्प्ले मिल जाता है, और ये फोन है Realme की तरफ से Realme 7i। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको 90Hz का डिस्प्ले मिलता है, साथ में स्नैपड्रैगन की तरफ से 662 मिल जाता है जो कि काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। और साथ ही दोस्तों इस फोन में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जो कि एक कमाल की बात है। साथ में यहां पर आपको एक अच्छी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और इसके साथ ही Realme 7i में आपको 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। इसलिए आप गेमिंग के टाइम बहुत ही एंजॉय करने वाले हो। तो Realme 7i को आप ले सकते हो अगर आपका बजट कम है और वहां पे भी आपको कमाल की गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे जो फोन है वो ओवरऑल बहुत ही कमाल का फोन है, और ये है Redmi की तरफ से Redmi Note 9 Pro। दोस्तों यहां पर आपको मिलता है Snapdragon का 720G प्रोसेसर जो कि गेमिंग के लिए डेडिकेटेड प्रोसेसर है, और यहां पर आपको बहुत ही ऑसम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही यहां पर आपको 5030mAh की बैटरी मिलती है, और साथ में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, तो आसानी से यहां पर आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, और साथ में आप गेमिंग भी कमाल की कर पाओगे। इसके साथ ही यहां पर आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है, इसलिए आप गेमिंग एंजॉय करोगे। तो Redmi Note 9 Pro 13,999 की प्राइसिंग पे कमाल का फोन है, और आप इसे जरूर से चेकआउट कीजिए अगर आप 15,000 के अंदर एक कमाल का गेमिंग फोन चाहते हो। अब दोस्तों हमारे जो टॉप 2 फोन है उनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, यहां पर थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और मैंने नंबर 2 पे रखा है Poco M2 Pro को। दोस्तों यहां पर आपको Snapdragon का 720G मिलता है जो कि कमाल की परफॉर्मेंस देता है गेमिंग के टाइम में। साथ में यहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, इसलिए अगर आप एक अच्छा कैमरा और साथ में अच्छा गेमिंग फोन भी चाहते हो तो दोनों के ही काम आपको ये करके दे देगा। साथ में Poco M2 Pro में आपको 6.6 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है और स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील। तो अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हो जहां पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिले, कोई भी ब्लॉटवेयर ना मिले, साथ में कैमरा अच्छा और गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, तो Poco M2 Pro आपके लिए कमाल का ऑप्शन है, और आप इसे जरूर से चेकआउट कीजिए। एंड दोस्तों फाइनली नंबर 1 पे है वो स्मार्टफोन जो कि सारी चीजों में अच्छा है, और ये है Realme 7। अब दोस्तों मैंने इसे नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर आपको मिलता है Helio G95 प्रोसेसर जो कि गेमिंग में बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। इसके साथ ही यहां पर आपको 90Hz का डिस्प्ले मिलता है जो कि आप गेमिंग के टाइम फील करोगे कि आपको वहां पर काफी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। साथ में यहां पर आपको एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है जो कि फुल HD+ पैनल है, और यहां पर आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, और साथ में 30W की फास्ट चार्जिंग। तो सारी चीजें Realme 7 को एक कमाल का गेमिंग फोन बना देती है। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, Realme 7 में जो आपको कैमराज मिलते हैं वो भी काफी कमाल के। यहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जो कि काफी अच्छी फोटोज निकाल कर दे देता है। हां यहां पर नाइट कैमरा परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल Realme 7 बहुत ही कमाल का फोन। तो अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जहां पर सारी चीजें अच्छी मिल जाए, एक कमाल का पैकेज मिले, तो Realme 7 आपके लिए कमाल की डील होने वाली है। आप Realme 7 को 15,000 के अंदर खरीद सकते हो, और इन सभी फोन के बेस्ट बाय लिंक
आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे वो पांच फोन जो कि आपको बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल कर देते हैं 15,000 के अंदर। और अगर आपकी नजर में कोई एक ऐसा फोन है जो कि इसमें छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी और कमाल के लेटेस्ट टेक वीडियोज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, बगल में घंटी मिल जाएगी तो घंटी जरूर दबाइएगा ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप स्माइलिंग।